कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का रैप अप हो चुका है। थर्ड सीजन लोगों को उतना पसंद नहीं आया। शाहिर शेख, एरिका फर्नांडिस, सुप्रिया पिलगांवकर और बाकी सभी ने अपने लास्ट सीन्स शूट कर लिए हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि देव और सोनाक्षी की लव स्टोरी को गुड बाय बोलना ना सिर्फ फैंस के लिए मुश्किल था बल्कि सभी एक्टर्स के लिए भी ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल रही है। शाहिर और एरिका इस शो को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। दोनों अपने कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे। इनफैक्ट एरिका का तो ये डेब्यू कैरेक्टर था। सोनाक्षी बोस के रूप में एरिका फर्नांडिस ने कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के साथ अपना डेब्यू किया था और वो इस कैरेक्टर के बहुत ही करीब है। शो को अलविदा कहते हुए सोनाक्षी बोस के बारे में बात करते हुए एरिका फर्नांडिस ने मीडिया में एक स्टेटमेंट शेयर की है जहाँ पर उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में बात की और उन्होंने इतना इमोशनल गुड बाय दिया सोनाक्षी को। एरिका ने स्टेटमेंट में कहा, आई डेब्यूटेड इन टू दी टेलीविजन इंडस्ट्री एज डॉक्टर सोनाक्षी इन कुछ रंग सीजन 1 एंड सिंस देन माय जर्नी एज डॉक्टर सोनाक्षी हैज बीन अ ब्यूटीफुल वन। द कैरेक्टर हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ एज द रोल ट्रूली एनहैंस्ड माय एबिलिटीज एज एन एक्टर देन एंड नाउ। आई एम ग्रेटफुल दैट आई वॉज एबल टू पोर्ट्रे सच अ वंडरफुल रोल इन डिफरेंट शेड्स ओवर 3 सक्सेसफुल सीजन्स which has only brought me immense love and appreciation. It was also amazing to see how due to popular demand, a season 3 of Kuch Rang was brought back on air. It just reflected on how the show has been so prominent and loved in spite of a gap in between both seasons. The show then and now continued to maintain a connect strong with the audience. Which was the most beautiful part about it. My association with the Kuch Rang franchisee will forever be cherished and I am eternally grateful to have been a part of a show which is more of an emotion and a feeling attached strongly to my heart. Erica ke saath saath Indian television par Sonakshi ke character ko koi bhi nahi bhulne wala hai. Unhone itne acche se is character ko nibhaya hai.